बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के एक घटिया बयान से सियासत गर्मा गई है। वर्मा ने कहा, बांग्लादेश की तरह बगला नंबर मोदी का है। घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बांग्लादेश में चल रही हिंसा और सियासी उठापटक का असर भारत में भी देखा जा रहा है, जहाँ इंदौर में एक प्रदर्शन के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित और घटिया बयान दिया। उन्होंने भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हुए कहा कि एक दिन भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शेख हसीना की गलत रणनीतियों की वजह से बांग्लादेश की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। अब अगला नंबर मोदी का है, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में, अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है, देश की जनता से भी हो रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब जमात एस इस्लामी और आतंकवाद की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री का घर जलाने की बात कर रहे हैं। आजादी क्या इसलिए मिली थी कि आप प्रधानमंत्री का घर जलाने जैसी बात करो? उन्होंने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश में हो रहे आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है। कांग्रेस अब देश बनाने में भरोसा नहीं कर रही, बल्कि देश जलाने की योजना बना रही है। आतंकवाद की भाषा बोलेगी क्या कांग्रेस? जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब बांग्लादेश के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है, कांग्रेस क्या पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है? कांग्रेस किससे प्रेरणा ले रही है? वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा केवल नाम के सज्जन हैं, उनकी सोच और कर्म दुर्जनों वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो देश के लिए इतना बुरा सोचने वाला राष्ट्रद्रोही ही हो सकता है। आशीष अग्रवाल ने सज्जन सिंह वर्मा पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये कैसी सोच है कांग्रेस के नेताओं की, ये सिर्फ नाम के सज्जन है और सोच और कर्म के दुर्जन है? जो देश के लिए इतना बुरा सोचे वो राष्ट्रद्रोही ही हो सकता है। और स्वयं सज्जन सिंह वर्मा को इसी मानसिकता और विचारधारा के कारण इसी जनता ने हराया है। तो ये जो दंगाई मंसूबे हैं, जो संस्कार हैं कांग्रेस के, वो कभी सफल नहीं होंगे। मैं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करता हूं सरकार से, सज्जन सिंह वर्मा पे मुकदमा दर्ज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।